अब देखो भाई, मेडिकल ड्रामास का अपना एक अलग चार्म होता है, एंड ऊपर से आपको पता चले कि जो मेडिकल ड्रामा आया है वो एलीट के मेकर्स ने बनाया है। एलीट याद है ना, तो जो ठरकी फैंस है वहां से भी खड़े हो जाएंगे जहां पर हड्डी नहीं होती है, समझ गए, मतलब फुल माहौल। तो देखो भाई, अगर सीधे सीधे मुद्दे की बात करें तो नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर इस फ्राइडे को एलीट के मेकर्स की तरफ से एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है ब्रेथलेस, जिसके सीजन वन को देखने के लिए आपको टोटल 8 एपिसोड देखने हैं। माइंड में एक चीज जरूर रखना कि अभी सीजन में इसकी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसका सीजन 2 भी आएगा। बाकी जो ये सीरीज है भाई, आपको हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बनाएगी क्योंकि इसमें आपको न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी एंड साथ ही साथ काफी तगड़े हॉट सीन्स भी। एंड भाई, मेडिकल से रिलेटेड सीरीज है, इसमें आपको चीड़फाड़ के भी सीन देखने को मिलेंगे शरीर के, तो छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी मत देखना। बाकी एक चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि भाई, अगर आपने बहुत सारे मेडिकल ड्रामास देखे होंगे तगड़े तगड़े, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा कुछ नयापन नहीं प्रेजेंट करेगी, आपको वही सारी चीजें घूम घुमा के देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज है कि इस सीरीज का खुद का एक अलग चार्म है, अब वो क्या है मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और हाँ, ऐसी वीडियोस देखना भाई आपको पसंद, तो क्या करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एटलीस्ट सपोर्ट कर सकते हो प्लीज। कहानी की बात करें, देखो इसकी कहानी एकदम सिंपल है, एक आपको मेडिकल कॉलेज की चीजें देखने को मिलेंगी, यानी हॉस्पिटल की चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर जो डॉक्टर्स लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट्स को हैंडल करते हैं, बट उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ कुछ पर्सनल लाइफ के अलग मुद्दे हैं। अब वो मुद्दे क्या है, कैसे ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, यही सब जानने के लिए आपको इस सीरीज को देखना पड़ेगा। अब भाई, अगर सीरीज की बात करें तो बस मैं इतना बोलूंगा कि भाई ये सीरीज बुरी नहीं है, अगर आपको मेडिकल ड्रामास देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस सीरीज पर अपना टाइम दे सकते हो। इसमें आपको वो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि एक मेडिकल ड्रामा के लिए जरूरी होती है, लाइक इसमें आपको जो प्रोसीजर देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो चीड़ फाड़ के हो या फिर जो भी चीजें हो, वो आपको देख के थ्रिल, टेंशन, एक्साइटमेंट आएगी। इसमें आपको हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे जिनको, इन केस अगर आप एक ठरकी ऑडियंस कैटेगरी में आते हो तो उनको देख के आपको मजा आएगा। इसमें आपको लव एंगल देखने को मिलेगा, इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि एक मसाला ऑडियंस के लिए चीजें जरूरी होती है। कहानी भी आपको भाई बुरी देखने को नहीं मिलती है, जैसे जैसे कहानी इसकी प्रोग्रेस होते जाती है चीजें आपके लिए इंगेजिंग हो जाती है, इवन जो कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं काफी लाइकेबल है, जैसे जैसे उनकी चीजें बढ़ती जाएंगी आप उनके साथ कनेक्टेड भी फील करोगे। डेफिनेटली कुछ शॉकिंग मोमेंट भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि एपिसोड 1-2 में ही आपको एक बंदा रहेगा कूदेगा, तो उससे रिलेटेड जो चीजें देखने को मिलेंगी वो आपको देख के मजा आएगा, मतलब शॉक वैल्यू भी इसे प्रोवाइड कर देती है। बाकी भाई, सीरीज की जो प्रोडक्शन वैल्यू है या फिर जो छोटी छोटी मेडिकल से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती है, या फिर जो आपको सबसे तगड़ी चीज मुझे सीरीज की लगी कि जो क्राउडेड एनवायरमेंट देखने को मिलता है भाई साहब, जिस हिसाब से उसको मेकर्स ने प्रेजेंट किया वो देखने में काफी ज्यादा थ्रिलिंग था। मतलब पेशेंट दौड़ रहे हैं, डॉक्टर दौड़ रहे हैं, उसके पीछे आपको जो क्राउडेड माहौल देखने को मिलेगा हॉस्पिटल में, गजब था भाई वो, गजब का। प्रॉब्लम की बात करें तो डेफिनेटली सीरीज में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि इसमें आपको काफी सिली चीजें देखने को मिलेंगी जिनका अगर आप सोचोगे तो कोई सेंस नहीं बनता है। एक स्टार्टिंग का एक सीन बताता हूँ, एक बंदा है जो कि डॉक्टर है बट वो ड्रग लेकर के एकदम टुल है। इसमें दिखाया गया कि भाई ड्रग लेने के बावजूद भी जब उसके दोस्त के साथ एक कांड होता है तो उसका वो प्रोसीजर करने चला जाता है। अब आप बताओ कि एक ड्रगिस्ट डॉक्टर कैसे एक बंदे को हैंडल, मतलब पेशेंट को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह की आपको छोटी मोटी सिली चीजें देखने को मिलेंगी जिनको समझने के लिए आपको अपना ब्रेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। बाकी एक बड़ी प्रॉब्लम यही है कि सीरीज आपको बहुत कुछ नया नहीं प्रेजेंट करेगी। अगर आपने बहुत सारे मेडिकल ड्रामास देखे हैं तो आपको वैसा ही कुछ मिर्च मसाला इसमें भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैं आपको इतना बोलूंगा कि भाई ये काफी अच्छी सीरीज है, अगर आपको मेडिकल ड्रामास देखना पसंद तो इसकी कमियों को हटा करके आप डेफिनेटली इसके कंटेंट को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन एक चीज माइंड में जरूर रखना कि इसका सीजन 2 आएगा, एंड अगर नेटफ्लिक्स इसको रिन्यू करता है तभी आप मेरे हिसाब से इसको देखने जाना, अदरवाइज अगर कैंसिल कर दिया तो इसके सीजन 1 का भाई कोई मतलब नहीं बनता है। तो एटलीस्ट एक महीना वेट कर लो, सीजन 2 जब रिन्यू हो जाएगा तब अपना टाइम इस पर देना। मुझे सीरीज काफी अच्छी लगी है, इसलिए मैं इसके सीजन को ओवरऑल जज करके रखूंगा 7.3 out of 10 star। अगर आपने देखा है तो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। मेरी वीडियो काम के लिए तो इस वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो बाकी मैं फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।